Let us begin with the topic further in the syllabus. Let me first talk what is GST. Of course, every lecture I used to repeat what is GST, that is goods and service tax. और इसमें मैंने ये भी बताया है कि ये दोनों में कैसे बंटता है सेंट्रल और स्टेट में. बाबूजी, तो CGST और SGST ये मुझे दोनों अमाउंट डिवाइड करके चाहिए. दैट इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट. मान लो 12% है तो इसका 6%, इसका 6%, ऐसा. मान लो 18% है तो इसका 9%, इसका 9%, ऐसा. देयर इज अ सिंपल लॉजिक. दूसरी बात, अगर जो हम कुछ खरीद रहे हैं, वी आर परचेसिंग समथिंग, अगर जो हम कुछ खरीद रहे हैं तो हम लोग इनवर्ड शब्द बोलेंगे. इनवर्ड CGST, इनवर्ड SGST, दैट इज फर्स्ट पार्ट. और अगर जो हम कुछ बेच रहे हैं तो सेल कर रहे हैं, जैसे कि फर्नीचर है, मशीन है, गुड्स है, कुछ भी हम लोग बेच रहे हैं, वी यूज टू टॉक एज आउटवर्ड CGST, SGST. तो आप समझ लीजिए, पहले GST क्वेश्चन में दिया होगा, जो भी रेट दिया होगा, आपको चिंता नहीं करना है. सेकंड थिंग, दोनों में बंटता है स्टेट और सेंटर, दो बात हो गई. तीसरी बात, अगर जब हम कुछ खरीदेंगे उस टाइम पे उसको हम लोग इनवर्ड CGST, इनवर्ड SGST करके बुलाएंगे, और जब हम बेचेंगे तो उसको हम लोग आउटवर्ड CGST, आउटवर्ड SGST करके बुलाएंगे. तो ये GST का एक आपके सामने छोटा रिवीजन मैंने जानबूझ के रखा है, क्योंकि हर रोज GST के क्वेश्चन आगे चल के आने वाले, तो मैं नहीं चाहता कि ये जरा भी आपके दिमाग से हटे. भले आज GST का मुझे कुछ नहीं सिखाना है, जानबूझ के इसी को रिपीट किया. ओके, फर्दर नाउ टुडेज लेक्चर, सेकंड थिंग आई वांट टू इंट्रोड्यूस, जो कि हो ही गया इंट्रोड्यूस, अभी कुछ नया नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बुक में जो दिया है उस हेडिंग को आपको बोल के सिखाना है, और उसको बोला जाता है कंबाइंड एंट्री. जरा मीनिंग सुन ले. जब GST का एंट्री पास किया था तो वो कंबाइंड एंट्री ही था. कंबाइंड एंट्री मींस व्हाट? जब हम एंट्री पास करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स डेबिट टू वाई, कुछ भी मैंने ऐसे लिख दिया है, जस्ट टू पुट इन योर माइंड के एक एंट्री आपके सामने है. तो ये एंट्री जो है, दिस इज सिंपल एंट्री, क्योंकि कंबाइन एंट्री में कुछ तो है. तो कंबाइन एंट्री क्या है, जरा सुन ले. जब एंट्री में व्हेन देयर विल बी मोर देन व्हेन देयर विल बी मोर देन वन डेबिट और मोर देन वन क्रेडिट. लो भाई, एंट्री में एक से ज्यादा डेबिट होगा या तो एक से ज्यादा क्रेडिट होगा. देखो, एक्स डेबिट टू वाई जो मैंने ऊपर बताया है, दिस इज नॉर्मल एंट्री, सिंपल एंट्री, दिस इज नॉट कंबाइन एंट्री. क्योंकि डेबिट में एक ही चीज है, एक अकाउंट एक्स का है, और क्रेडिट में एक अकाउंट सिर्फ वाई का है. सो दिस इज नॉट कॉल्ड कंबाइन एंट्री. लेकिन जब डेबिट में एक से ज्यादा कुछ होगा या तो क्रेडिट में एक से ज्यादा कुछ होगा तो उसको कंबाइन एंट्री बोलते हैं. लेट मी सिंपल पुट द एग्जांपल. ऊपर की एंट्री को मैं
रिपीट कर रहा हूं, एक्स अकाउंट डेबिट, जेड अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट, ऐसा करके कोई एंट्री है बाबू जी, अमाउंट जो भी दिया होगा क्वेश्चन में, आपको चिंता नहीं करना है कि सर जी अमाउंट कितना होगा, एक एक चीज का अमाउंट होगा ही, तो लीजिए इसको बोलते हैं कंबाइंड एंट्री। लेट मी कंटिन्यू सिमिलर वन मोर एंट्री, ऐसे डेबिट में ही ज़्यादा होगा ऐसा जरूरी थोड़ी है, वही एंट्री को वापस ले रहा हूँ, एक्स अकाउंट डेबिट सामने टू वाई है टू एज अकाउंट। लो जी ये नया एग्जाम्पल है, कोई लेना देना नहीं है, खाली सोचने का समझने का, आप भी लिखते जाना थोड़ा थोड़ा। एक्स का कोई भी अमाउंट ले लिया, मान लो 1000 रुपया है, वाई का 800 है तो ए का 200 है, यानी अमाउंट ऑफ डेबिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ क्रेडिट, दैट इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री, वी शुड नॉट फॉरगेट। तेरे सामने ये एक एग्जाम्पल है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, लेकिन कंबाइन एंट्री किसको बोलते हैं, वो देखने में कैसा दिखता है, ये इमेजिनरी एग्जाम्पल है, काल्पनिक। अमाउंट भी कुछ भी मैंने ले लिया, लेकिन कुछ भी का मतलब डेबिट का टोटल अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट इट मस्ट बी सेम, ये दोनों सेम होना जरूरी है बच्चा, सीधी बात है, द अमाउंट ऑफ डेबिट शुड बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ क्रेडिट आपके सामने। अच्छा अभी अपन जीएसटी का जानबूझ के एंट्री का रिवीजन कर ही लूँ जब मुझे मौका मिला है कंबाइन एंट्री का। यस प्लीज सी, मान लो मैंने कुछ परचेज किया, अभी बताया ना जीएसटी में कुछ परचेज किया तो इनवर्ड बोलना पड़ेगा। मान लो मैंने मशीन खरीदा तो मशीन अकाउंट डेबिट, लिखते जाना बच्चा मशीन अकाउंट डेबिट, मैंने मशीन खरीदा तो क्या मशीन अकाउंट डेबिट, ठीक है। इनवर्ड सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनवर्ड एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और मान लो पैसा रोकड़ा दिया है तो कैश, अगर जो चेक दिया होवे तो बैंक, सीधी बात है। तो ये लीजिए, ये भी तो कंबाइन एंट्री है बच्चा, सी देयर इन द एंट्री यू सी मोर देन वन डेबिट और मोर देन वन क्रेडिट, सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कंबाइन एंट्री। भाई जी एक और एग्जाम्पल मैं लेना चाहता हूं, जरा देख लीजिए, एग्जाम्पल आपके सामने यहीं पे रखूंगा जिसको हम लोग कंबाइन एंट्री बोलेंगे। प्लीज लेट मी कंटिन्यू माई वर्क। एंट्री नंबर ट्रांजेक्शन नंबर 4, जैसे इनवर्ड सी जी एस टी बोला ऐसे आउटवर्ड सी जी एस टी, मान लो हमने गुड्स बेचा है और जान मुझ के क्रेडिट ट्रांजेक्शन ले रहा हूँ, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राम, तो राम अकाउंट डेबिट, ऑन क्रेडिट इट इज, गुड्स सोल्ड टू राम तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटवर्ड सीजीएसटी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, टू आउटवर्ड सीजीएसटी एंड टू आउटवर्ड एसजीएसटी, ठीक है बच्चा, आपके सामने चल रहा है, देख लीजिए, आउटवर्ड सीजीएसटी आउटवर्ड एसजीएसटी, ठीक है। एक एंट्री और लेना चाहता हूं, एग्जाम्पल 5th, बिजनेस स्टार्टेड बाय प्रोपराइटर, आपने ये चित्र बहुत बार देखा है कि मैंने यहां प्रोपराइटर बताया और प्रोपराइटर बिजनेस चालू कर रहा है, तो जनरली मैंने ऐसा ही बोला है कि मिस्टर जो भी है वो बिजनेस चालू कर रहा है और वो कैश लेके आया, तो अपन बोलते हैं प्रोपराइटर के लिए जो प्रोपराइटर का अकाउंट होगा वो आइदर कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट, प्रोपराइटर के लिए दो अकाउंट अपने को बोलने हैं, आइदर कैपिटल और ड्राइंग। अगर जो पैसा लगा रहा है बिजनेस में, देखो बिजनेस में वो पैसा लगा रहा है मतलब वो कैपिटल ला रहा है, तो एंट्री बिजनेस में पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल, ठीक है, कैश टू कैपिटल, ओके। अब जरा सुनिएगा, थोड़ा कहानी को लंबा करता हूँ। प्रोप्राइटर बिजनेस चालू कर रहा है, ओके, उसकी खुद की लैंड है वो भी बिजनेस में लाया, उसका बिल्डिंग है वो बिजनेस में लाया, उसके घर में फर्नीचर था वो बिजनेस में लाया, उसकी मोटर कार थी पर्सनल वो बिजनेस में लाया। लो भाई देख लो, सब कुछ बिजनेस में ला रहा है। तो बिजनेस में 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारी चीज आ रही है, तो भाई साहब इसका एंट्री कैसे पास होगा? तो क्या एवरीथिंग कम्स इन द बिजनेस? तो जरा एंट्री सुन ले, कंबाइन एंट्री का नज़ारा देख ले। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस में आया। लैंड अकाउंट डेबिट, बिजनेस में आया। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, सब आ रहा है ना, तो कम्स इन। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अमाउंट दिया होगा तो अमाउंट की चिंता नहीं कर, मैंने यहाँ जानबूझ के अमाउंट पे नज़र नहीं रखा है, क्योंकि मुझे तेरे दिमाग में कंबाइन एंट्री बिठाना है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मोटर कार अकाउंट डेबिट, मोटर कार अकाउंट डेबिट, लाइट गया है फिर भी देख लीजिए चालू है कार्यक्रम, टू, ठीक है आ गया टू कैपिटल, अमाउंट दिया होगा, जो भी होगा आपको लिखना है ना। एवरी टाइम प्लीज कीप इन माइंड, अमाउंट ऑफ डेबिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ क्रेडिट। बाबू जी 5 एंट्री हो गई, मेरी इच्छा एक और देने की है, ले ले छठी, ताकि थोड़ा मुझे भी अच्छा लगे। यही ड्राइंग के ऊपर ले रहा हूँ, पार्टनर बिजनेस प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर बिजनेस में से पैसा ले रहा है, गुड्स भी ले रहा है, दो चीज ले रहा है, प्रोप्राइटर ले रहा है। तो प्रोप्राइटर के लिए अपने को या तो कैपिटल बोल या तो ड्राइंग बोल, आंसर ड्राइंग अकाउंट डेबिट। प्लीज सी, इट इज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, पैसा लिया बिजनेस में से, पैसा गया टू कैश, बिजनेस में से वो गुड्स ले रहा है टू गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर अकाउंट। देख लीजिए, जो भी अमाउंट होगा तेरे को दिया होगा, यू नीड नॉट वरी प्लीज। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, दैट इज फंडा। आप देखिए यहां 2 क्रेडिट है, ऊपर देख लीजिए कितने, 5 डेबिट थे। तो जब एंट्री में एक से ज्यादा डेबिट है या एक से ज्यादा क्रेडिट है, कभी कभी डेबिट भी एक से ज्यादा, क्रेडिट भी एक से ज्यादा, ऐसा भी एंट्री होता है, दैट इज ऑल्सो कंबाइन एंट्री प्लीज। 2-3 डेबिट एंड 2-3 क्रेडिट पॉसिबल, पॉसिबल। So combined entry means in the entry when you find more than one debit, more than one credit, it is called combined entry। कोई विचार ज़्यादा इसमें है नहीं। प्रोप्राइटर ने बहुत सारी चीज लाया, देख लो सब चीज आया, ठीक है, तो डेबिट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए मुझे आगे कुछ नया भी आज पढ़ाना है। एक बार मैंने चैप्टर 1 में आपके सामने एक कंसेप्ट रखा था, एंड दैट कंसेप्ट इफ यू रिमेंबर दैट वॉज डिस्काउंट। याद करो, मैंने डिस्काउंट आपको पढ़ाया है, एक कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था जिसका नाम था डिस्काउंट। डिस्काउंट, डिस्काउंट का सीधा मतलब होता है सम कंसेशन। सम कंसेशन,
कंसेशन बोलेगा तो रिडक्शन इन अमाउंट। भाई साहब आप सब लिख लेना, अगर जो नहीं लिखा है कहीं रह गया है तो जरा पॉज कर, रिवर्स कर, सब लिख लेना। आज मैंने जानबूझ के स्टार्टिंग में जीएसटी थोड़ा रिवाइज किया कि तेरे को हल्का फुल्का खोपड़ी में रखना है मुझे जीएसटी, करेक्ट। देन आई स्टार्टेड विथ कंबाइन एंट्री, तो ये भी जरूरी था कि मैंने कंबाइन एंट्री चालू कर दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और अब मैं तेरे सामने एक नई चीज, नई चीज तो नहीं है, मैंने आगे सिखाया था बच्चा, और वो था इफ यू रिमेंबर डिस्काउंट। डिस्काउंट शब्द सबने सुना है, मैंने भी तभी थियरी में लिया था। इफ यू रिमेंबर, इट इज द रिडक्शन इन द अमाउंट, रिडक्शन इन द प्राइस। रिडक्शन इन द वैल्यू। बड़े बड़े स्टोर में मारते हैं ना हैवी डिस्काउंट ने, 10% छूट ने, 50% छूट ने, साले क्या क्या अपने को अट्रैक्ट करने के लिए बोर्ड मारते हैं और पब्लिक की भी भीड़ लगा देते हैं। उन लोग के वो आदमी लोग रहते हैं, अपने को लगता है अरे बहुत भीड़ है, अपन भी वो भीड़ में भीड़। पब्लिक का एक नेचर है, जहाँ भीड़ होगी ना वहीं आप खड़े रहेंगे, देख लेना आप अकेले नहीं रहेंगे। क्या मालूम अपना एक नेचर कैसा हो गया है कि लोगों के साथ अपन भी मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं और क्या मालूम चालू हो जाते हैं। डेयर टू बी डिफरेंट, आज का ये सेंटेंस खोपड़ी में डाल दे, जिंदगी भर काम आएगा। वापस बोलता हूं, डेयर टू बी डिफरेंट, दुनिया से अलग अपनी हस्ती बनाने का प्रयत्न करना, डेयर टू बी डिफरेंट। ठीक है चलो चलता हूं। हाँ, डिस्काउंट यानी रिडक्शन, प्राइस घटाना, फॉल इन द अमाउंट, कंसेशन, सिंपल शब्द। ओके ठीक है, उस टाइम पे मैंने आपको सिखाया था डिस्काउंट ऑफ टू टाइप्स, डिस्काउंट ऑफ टू टाइप्स इफ यू रिमेंबर। वन ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड कैश डिस्काउंट। वन इज द ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड इज द कैश डिस्काउंट। मैं थोड़ा रिपीट करूंगा ही, पूरा लेक्चर अभी ये डिस्काउंट के ऊपर ही मुझे आपके सामने रखना है। ट्रेड डिस्काउंट का क्या मतलब होता है, लेट मी टॉक। लेट मी डिस्कस व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट। देखो इसका शब्द ही है, ट्रेड मींस बिजनेस, मींस बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेड का सीधा अर्थ है हम कुछ खरीदेंगे, हम कुछ बेचेंगे, हम कुछ बिजनेस करेंगे, हम कुछ गुड्स के बारे में बोल रहे हैं, बाइंग सेलिंग। तो जब ये गुड्स का बाइंग सेलिंग होता है दो बिजनेसमैन के बीच में, इट इज द ट्रेड, इट इज द बिजनेस बिटवीन ट्रू ट्रेडर्स। एक खरीद रहा है, एक बेच रहा है, समझ रहा है, एक खरीद रहा है, एक बेच रहा है। तो एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को कुछ छूट देगा, हिंदी वर्ड छूट यानी डिस्काउंट। लेट मी सिंपल गिव द एग्जांपल, एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को कुछ छूट देता है यानी उसका प्राइस कम करता है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। मैं सिंपल बात करता हूं, ये अकाउंट की बुक है, ऐसे इंग्लिश की बुक सब अलग अलग। बाबूजी हम लोग दुकान से खरीदते हैं, दुकानदार से, मान लो बुक के ऊपर लिखा है प्राइस 100 रुपया, लिखते हैं ना उसका जो भी प्राइस होगा, मान लो 100 रुपया। तो हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, 100 रुपया देखते हैं,
कि हाँ बुक का प्राइस 100 रुपया, तो अपन खरीद रहे हैं, तो वी मतलब कस्टमर, दुकानदार से हम लोग खरीद रहे हैं जो शॉपकीपर है, और उसके ऊपर हमने पढ़ा और 100 रुपया उसको दे दिया, वी कस्टमर परचेस फॉर ₹100 दुकान से। अब जरा आपने बराबर गौर करना है कि दुकानदार ने अपने को बेच दिया, हमने खरीद लिया, हमने 100 रुपया दे दिया, बुक अपन ने ले लिया, भाई जो भी सब्जेक्ट है, जो भी है, ट्रांजैक्शन ओवर। नाउ आई एम टॉकिंग समथिंग एल्स, बाबू जी शॉपकीपर ये बुक जहां से खरीद के लाया है, जरा सोचा है आपने कभी, शॉपकीपर जहां से ये खरीद के लाया है बाबू जी, तो शॉपकीपर कहां से खरीद के लाया होगा, जरा सोच लो। तो शॉपकीपर तो कहीं से खरीद के लाया होगा, आंसर वो होलसेलर से खरीद के लाया होगा, होलसेलर यानी बड़ा व्यापारी, होलसेलर यानी बड़ा व्यापारी। तो जब वो लाया होगा तो ये शॉपकीपर बोलेगा तो रिटेलर है, छोटा व्यापारी, होलसेलर यानी बड़ा व्यापारी। तो शॉपकीपर उसके पास से 10-20-50 बुक खरीदा होगा, बाबूजी जरा देख लो एक बुक 100 रुपये की है, तो जब रिटेलर ने होलसेलर से खरीदा होगा या तो मैन्युफैक्चरर से खरीदा होगा जहां से भी, तो ये रिटेलर ने भी तो पढ़ा होगा ना ऊपर कि ये 100 रुपये की बुक है, क्यों जी, उसने भी तो पढ़ा होगा ना ये, तो क्या ये रिटेलर ने होलसेलर को 100 रुपया चुकाया होगा क्या, क्यों भाई, जैसे आपने 100 रुपया चुका दिया बुक खरीदा, तो ये रिटेलर भी तो होलसेलर से ला रहा है, मान लो रिटेलर का नाम है मिस्टर एक्स और ये होलसेलर का नाम है मिस्टर वाई, तो एक्स ने वाई से खरीदा है जी, तो उसने भी तो जब भी बुक के ऊपर देखा होगा ना 100 रुपया छपा है जी, तो उसने भी 100 रुपया ही दिया होगा क्या होलसेलर को, नहीं ना। हियर इज अ पॉइंट, जब मिस्टर एक्स ने रिटेलर ने शॉपकीपर ने होलसेलर मिस्टर वाई से खरीदा होगा बच्चा, तो सीधी बात है मिस्टर वाई ने ये 100 रुपये की बुक उसको 100 रुपये में नहीं बेची होगी, हियर इज अ पॉइंट, थोड़ा कम दाम में बेचा होगा ना, क्योंकि उसको मालूम है ये 100 रुपया जो प्रिंटेड प्राइस है दैट इज फॉर कस्टमर्स, अभी समझ में आया, 100 रुपया मिस्टर एक्स रिटेलर के लिए नहीं था, वो भी भले देख रहा है बुक को, पढ़ रहा है 100 रुपया, लेकिन मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से 100 में नहीं खरीदेगा जी, उसको मार्जिन चाहिए ना, प्रॉफिट। तो मुझे यही पॉइंट बोलना है कि मिस्टर वाई विल ऑफर सम डिस्काउंट टू मिस्टर एक्स, होलसेलर विल गिव सम डिस्काउंट टू रिटेलर, वन ट्रेडर गिव्स डिस्काउंट टू अनदर ट्रेडर, वन ट्रेडर गिव्स डिस्काउंट टू अनदर ट्रेडर एंड दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, इट इज गिवन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, ऐसा डेफिनेशन ऐसा मीनिंग है ना बुक वालों ने कभी नहीं दिया है, मेरा स्टाइल ही अलग है, द डिस्काउंट गिवन बाय वन ट्रेडर टू अनदर ट्रेडर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, क्या ट्रेड ट्रेड लगा के रखा है, देख तो सीधा खोपड़ी में जाना चाहिए, डिस्काउंट गिवन बाय वन ट्रेडर टू अनदर ट्रेडर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। चलिए मैं आपके सामने बिल बना के दिखाता हूं, मेरे फोटो को थोड़ा छोटा कर देता हूं यार, आ जा, वाह वाह,
टेक्नोलॉजी भी बड़ी चीज है यार। चल मैं तेरे सामने बिल बनाना चाहता हूं ताकि तेरे को मालूम पड़े बिल कैसे होता है। ओके चलो, जब होलसेलर ने रिटेलर को गुड्स बेचा होगा तो बाबू जी उसके नाम का बिल बनाया होगा, ठीक है। जगह नीचे कई पेज में मैं ले रहा हूं। बिल का थोड़ा तेरे को चित्र बना दूं, इनवॉइस बोला जाता है इसको, बिल बोला जाता है इसको, ठीक है ना। जो होलसेलर है उसका जो भी बिजनेस का नाम होगा अपन मैसर्स वाई करके ही रखते हैं, मैसर्स वाई, चलो जो भी उसका नाम है उसका आता पता वगैरह यहाँ लिखा होगा, एड्रेस टेलीफोन नंबर वगैरह वगैरह, दुकान का नाम, उसके बिजनेस का नाम मैसर्स वाई। ये डेट भी डालेगा कि कौन सी तारीख को बेचा है और किसको बेचा है, ऐसा नाम लिखेगा तो कि मिस्टर एक्स को, क्या क्या चीज बेचा है तो कि वो बिल में लिखेगा। सर मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। मान लो 100 बुक्स खरीदा है एक्स ने और उसका प्राइस है 100 ईच, तो उसका अमाउंट बनता है 100 × 100 यानी 10,000 रुपया। इसको बोला जाता है ग्रॉस प्राइस। जरा देख लेना, 10,000। मिस्टर वाई बिल बना रहा है एक्स के नाम पर, जो खरीदा है उसका 10,000 रुपया, वो भी जानता है ये भी जानता है, लेकिन इसको एक डिस्काउंट दिया जाएगा। जरा देखते जा भाई, थोड़ा कलर में बात करने थे मुझे, लेस यहां लिख के दिया जाता है ट्रेड डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट उसको ऑफर किया होगा, 5%, 10%, 20%, 40% जो भी, मान लो उसको डिस्काउंट ऑफर किया गया है। देखो मैंने लिखा है ट्रेड डिस्काउंट से एट द रेट ऑफ से इट इज 20%, मतलब 10,000 पे 20% डिस्काउंट उसको ऑफर किया गया है, मतलब 2,000, मतलब ये जो 8,000 है इसको बोला जाता है नेट प्राइस, 8,000 है उसको बोला जाता है नेट प्राइस। और याद रखना जो भी जीएसटी वगैरह है इसके ऊपर लगेगा, अगर है तो, बुक्स वगैरह पे जीएसटी नहीं है अभी, अपन ऐसा मान के चल रहे हैं आज के तारीख में तो नहीं है, कागज वगैरह के हर साल घड़ी घड़ी ये जीएसटी की काउंसिल बैठती है, रोज चेंज होते रहता है तो ज्यादा दिमाग में, लेकिन अगर जो जीएसटी है तो जीएसटी इसके ऊपर चढ़ेगा, CGST, SGST वगैरह वगैरह, क्योंकि हर चीज पे GST नहीं है ऐसा मुझे नहीं बोलना है, मगर यहाँ मान लो कोई दूसरी चीज है और GST है तो यस, GST विल बी चार्ज ऑन द नेट प्राइस। नेट प्राइस मीन्स आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। क्वेश्चन में बोला होगा 20%, 5%, 10% तेरे सामने, मतलब ये 8,000 का बिल बन गया, लिख के दे देते 8,000 यू हैव टू पे, मतलब मिस्टर एक्स वाई को 8,000 रुपया चुकाएगा, दैट इज द नेट प्राइस। यहां वर्ड्स में भी लिखा जाता है रुपीज 8,000 ओनली, बोल दिया जाता है कि भाई पैसा इतने दिन में दे देना, टर्म्स ऑफ ट्रेड वो भी लिखते हैं, बेचा हुआ माल वापस नहीं लेंगे वगैरह वगैरह। तो दिस इज द बिल, इसकी वो डुप्लीकेट वगैरह रखता है, ओरिजिनल बिल मिस्टर वाई एक्स को देगा। आप देख लीजिए, हियर द डिस्काउंट इज गिवन, मेरा मुद्दा डिस्काउंट था, मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को 2,000 रुपये का डिस्काउंट दिया, काट लिया, और आखिरी में बोला है कि आपसे हमको 8,000 रुपया लेना है, मतलब 2,000 रुपया पहले ही काट लिया और नीचे लिखा है कि आपसे 8,000 रुपया लेना है, ₹8,000। तो ये ट्रांजेक्शन जो है एक्स और वाई के बीच में,
इट इज फॉर 8,000, देयर इज अ नेट प्राइस. हाँ, जब वापस ऊपर आ जाता हूं, जब रिटेलर कस्टमर को बेचता है वो बुक, देखो उसको ये बुक हकीकत में देखा गया तो 80 रुपए में पड़ी है, आपने देख लिया नीचे बिल, और अपने को वो 100 में बेच रहा है, उसको मार्जिन चाहिए बच्चा 20 रुपया प्रॉफिट उसका, दुकान का भाड़ा, आदमी लोग का बिल, इलेक्ट्रिक का बिल, और उसका 17 प्रकार का और खर्चा होता है, कभी कभी बुक पड़ी पड़ी भी बेकार हो जाती है, चूहे खा जाते हैं, पानी गिरता है, तो वो भाई उसका लॉस, तो उसको थोड़ा मार्जिन पहले से ज़्यादा दिया होता तो उसका वो लॉस भी फिर एडजस्ट हो जाता है. तो होलसेलर मिस्टर वाई ने एक्स को गुड्स 100 का 80 में बेचा, सो 20 रुपीज इज द डिस्काउंट गिवन बाय होलसेलर टू रिटेलर. आई वॉन्ट योर अटेंशन, लास्ट में जो एंट्री पास करनी है वो 8,000 की करनी है बच्चा, 8,000 की करनी है, क्योंकि वो डिस्काउंट कट गया, छोड़ दिया, भूल जाओ, और नीचे लिखा है 8,000 फाइनल अमाउंट नेट प्राइस. आप देख लीजिए, एंट्री ऑलवेज कम फॉर नेट प्राइस. मैं जान मुझ के कलर बदल के थोड़ा आपको सहयोग करना चाहूंगा, याद रखना, एंट्री ऑलवेज कम इन द बुक फॉर नेट प्राइस. ये वाक्य जरा लिख लेना, जीवन भर काम आएगा. एंट्री ऑलवेज कम फॉर नेट प्राइस. बेटा वाई ने एक्स को बेचा है 8,000 रुपये का है, इसके लिए सेल है, इसके लिए परचेज है, जरा देख ले, इसके लिए परचेज है, जरा देख ले, और दोनों अपने बुक में 8,000 की एंट्री पास करेंगे, दोनों अपने बुक में 8,000 की एंट्री पास करेंगे. जरा मैं वो भी बता देता हूँ, एक्स वाला क्या एंट्री पास करेगा, वाई वाला क्या एंट्री, तो मुझे और अच्छा लगेगा जी. चलिए, लेट मी टॉक क्लियरली. चल, वाई ने बेचा है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो वाई क्या एंट्री पास करेगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बाबूजी जीएसटी नहीं है, अमाउंट 8,000, अमाउंट 8,000. वाई ने क्या एंट्री पास किया, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल, और एक्स के लिए परचेज से क्या एंट्री पास करेगा, जरा देख ले, परचेसिस अकाउंट डेबिट 8,000, एंड वाई इज द गिवर ऑफ द गुड्स टू वाई अकाउंट, यस इट इज 8,000. इट इज 8,000. देख लीजिए, मुझे खास बोलना है, एंट्री कम फॉर नेट प्राइस, बिल देख, 8,000 का फाइनल अमाउंट है नेट, 10,000 ठीक है, 100 रुपये का वो बुक था, ठीक है ना, कौन ना बोलता है, लेकिन जब बिल बनाया वाई ने, तो उसने बराबर मेंशन किया कि ये 100 का बुक है, मैं तेरे को डिस्काउंट दे रहा हूँ 20% वगैरह वगैरह, और दोनों लास्ट अमाउंट 8,000 की अपने अपने बुक में एंट्री पास करते हैं. वाई के लिए ये सेल है, एक्स के लिए ये परचेज है, इट इज़ द क्रेडिटर ट्रांजेक्शन, सो पार्टीज नेम इज कमिंग इन द बुक्स ऑफ बोथ, दोनों के बुक में पार्टी का नाम आ रहा है. वाई एक्स को बेच रहा है, तो वाई के लिए एक्स कौन हुआ बच्चा मालूम है क्या, वाई के लिए एक्स कौन हुआ, जरा कलर बदलने दे, मजा आएगा मुझे भी तुझे भी. वाई के लिए एक्स कौन हुआ जी, आंसर डेटर, डेटर मतलब उसके पास से पैसा लेना है, और हाँ एक्स के लिए वाई कौन हुआ जी, आंसर क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब उसको अपने को पैसा चुकाने का है जी. देख लो, वाई के बुक में एक्स डेटर हुआ और एक्स के बुक में वाई क्रेडिटर हुआ, डेटर मतलब जिससे पैसा लेना है जी, और क्रेडिटर मतलब जिसको पैसा देना है जी. माय पॉइंट, एट प्रेजेंट डिस्काउंट
एंड दैट इज ऑफ टू टाइप्स. जरा देख लें, जहां भी तेरे को लगता है वहां वापस लिख लेना प्लीज. आज की पूरी राम कहानी लिख लें, कंबाइन एंट्री लिखा नहीं लिखा तो बराबर देख ले, लिखा लिख ले, रिवर्स कर, मुझे पोज कर, नहीं समझे तो वापस एक बार देख. बड़े आराम से पढ़ाता हूँ जी, कोई टेंशन नहीं है, खाली थोड़ा फ्रेश होके बैठने का. सेकंड थिंग, कंसंट्रेशन रखने का. हाँ, इधर देखा उधर देखा मजा नहीं आता है. सीधी बात है ना जी, आपका ध्यान लेक्चर के अंदर ही होना चाहिए, बाकी मेरे पे छोड़ दो. टॉपिक कितना टफ है यू नीड नॉट वरी, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट सिंपल. चलो, कंबाइन एंट्री तरह तरह का बता दिया, 1 2 3 4 भाई और कितने देख ले, 5 है ना, 6, वो बहुत हो गया रे. देन न्यू टॉपिक आई स्टार्टेड, डिस्काउंट यानी रिडक्शन इन द प्राइस, कंसेशन और इट्स ऑफ टू टाइप्स. वन इज द ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड इज द कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट का मतलब डिस्काउंट गिवन बाय वन ट्रेडर टू अनदर ट्रेडर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट. कॉलेज के प्रोफेसर को ये अच्छा डेफिनेशन भी जमेगा नहीं, मगर बुक में छापा है वही आगे था, इफ यू रिमेंबर फर्स्ट चैप्टर में. चल तू समझ, खाली अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करना है. और खास अभी सूचना तो लिख लेना भैया, चित्र वित्र बना लेने का, मुझे पोस्ट करके जहाँ भी लगता है कि अरे मैं आगे निकल गया तो मुझे पोस्ट करने का, मैं उधर ही रुक जाएगा. यू कैन अंडरस्टैंड. चलिए आगे बढ़ू, फिर अपने को एंट्री पास करना है, बिल बनाने का तो बना, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. एंट्री ऑलवेज कम फॉर नेट प्राइस. ये लाल लाल देख मैंने लिखा है, वाई ने एक्स को गुड्स बेचा है, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल और एक्स में परचेसिस अकाउंट डेबिट टू वाई मिला. ये बिल में देख नेट प्राइस की एंट्री पास हुई है 8,000 की. या एक वाक्य और बोल रहा हूं, एंट्री ऑलवेज कम फॉर नेट प्राइस 8,000. अब ये बाजू में लिखता हूँ ये वाक्य, खास तू भी देख ले. वापस लाल से ही लिख रहा हूँ, नो एंट्री फॉर ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट. अच्छा जरा देख ले, ये 2,000 की कोई एंट्री नहीं आई. क्यों भाई, 2,000 तो दिख रहा है ट्रेड डिस्काउंट, बिल में लिख के दिया है, वो ग्रोस प्राइस पे गिना भी 10,000 पे, तो कि नो एंट्री. देखना एंट्री सीधी 8 से चालू हुई, एंट्री सीधी 8 से चालू हुई है, मतलब 2,000 एकदम गायब, टोटली ऑफ नो यूज. बस जैसे आप कैडबरी का रेपर होता है, रेपर भी भले खरीदा लेकिन वो रेपर को फेंक ही देना है, कुछ करना नहीं है, चॉकलेट वगैरह खाया वो रेपर. आर यू गेटिंग? तो ये 2,000 दिख रहा है भले भले, लेकिन उसका नो एंट्री, नो एंट्री फॉर ट्रेड डिस्काउंट. लाइफ टाइम याद रखना, एंट्री नेट प्राइस की ही चालू होती है 8,000 की, एंट्री नेट प्राइस की ही चालू होती है 8,000 की. ओके, तो दोनों में मैंने एंट्री बता दिया. अब मुझे आपके सामने कैश डिस्काउंट पेश करना है, क्योंकि मैंने आगे ही बोला ना भैया, डिस्काउंट ऑफ टू टाइप्स. देख तो, डिस्काउंट ऑफ टू टाइप्स है ना, वन इज द ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड इज द कैश डिस्काउंट. तो ट्रेड डिस्काउंट तो आपने देख लिया, जब ट्रेड होगा, बाइंग सेलिंग होगा, वह ट्रेड डिस्काउंट जब दो बिजनेसमैन के बीच में आएगा. इज इट क्लियर?
अब मुझे कैश डिस्काउंट की बातें आपके सामने रखनी है। कैश डिस्काउंट, व्हाट इज कैश डिस्काउंट, लिसन। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा और कैश डिस्काउंट की बात थोड़ा, यहाँ जगह मैंने छोड़ा है मेरे पर्पस के लिए, क्योंकि वापस थोड़ी देर के बाद मैं इसके ऊपर भी आने वाला हूँ, यही एग्जांपल जो आपके सामने रखा है। लेट मी स्टार्ट कैश डिस्काउंट। व्हाट इज कैश डिस्काउंट? कैश यानी रोकड़ा। कभी कभी दो फ्रेंड में भी अभी जला पैसा तो मैं इतने तेरे को कम में दे दूं। दिस इज नॉर्मली वी हैव सीन अवर इन अवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो समटाइम्स, कि बोल रोकड़े में पूरा पैसा देता है क्या, अभी मैं थोड़ा कम कर दूं। बाबूजी हम बहुत से बिजनेस में देखते हैं, आज के तारीख में हर बिजनेस उधार चल रहा है। आज के तारीख में ज्यादातर बिजनेस उधार चल रहा है, मतलब पैसा बाद में। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मीन्स मनी विल बी पेड इन फ्यूचर, और कैश ट्रांजेक्शन यानी मनी पेड ऑन द स्पॉट जस्ट नाउ इमीडिएटली अबिच, दैट इज कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन। तो भाई साहब मुझे आपसे एक बात करना है कि कैश डिस्काउंट क्या है। बस वही बात है कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से जब पैसा उसको वसूलना है तो उसको बोलता है, देख मेरे को तेरे से 10,500 लेना है, 10,300 लिखता हूँ जानबूझ के, 10,300। तू मेरे को बोल अभी पैसा दे रहा है तो मैं तेरे से 300 रुपया कम लेने को तैयार हूँ, 10,000 रुपया तू मेरे को अभी दे दे और मैं तेरा अकाउंट सेटल कर दूं, क्लोज, यू पे नाउ। देख मुझे तेरे से 10,300 लेना है, मुझे तेरे से 10,300 लेना है, तू मेरे को अभी देता है क्या बोल, तो मैं 10,000 लेके अकाउंट सेटल करने को तैयार हूं। लेट मी पुट इन प्रॉपर वे, ए इज क्रेडिटर, उसने पैसा लेना है, एंड बी इज डेटर फॉर रुपीज 10,300। ए बी से पैसा मांग रहा है कि 10,300 मुझे दे दे, ठीक है। अभी उसने क्या बोला कि मेरे को जो लेना है तू अभी दे दे, बी भी शाना है, अच्छा उसको भी लगा 300 बचता है ना, ले ले पैसा। सो बी पेड 10,000 एंड अकाउंट सेटल्ड। मतलब ए इज द क्रेडिटर, बी इज द डेटर, और बाबूजी मिस्टर बी पेड रुपीज 10,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। लो भाई बिने पैसा दे दिया, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, के ले ले भाई 10,000 रुपया देता हूं, तूने जैसे बोला 300 रुपया काट ले। नाउ हियर इज द पॉइंट, ये 300 रुपया जो डिस्काउंट है इट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब सुनो, इट इज अ डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी कंसेशन, रिडक्शन, बोला ना कम करने का पैसा। बाबू जी डिस्काउंट यानी पैसा कम करना, मगर ये कैश डिस्काउंट क्या है? कैश डिस्काउंट का मतलब सुन ले, इट इज अ डिस्काउंट ऑफर्ड यानी कि गिवन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट बोले तो क्विक पेमेंट,
कैश डिस्काउंट मीन्स द डिस्काउंट गिवन फॉर प्रॉम्प्ट पे, अब बीच पैसे देता है क्या तो मैं थोड़ा कम करता हूं. इट इज द डिस्काउंट गिवन बाय, इट इज द डिस्काउंट गिवन बाय क्रेडिटर, इट इज अ डिस्काउंट गिवन बाय क्रेडिटर टू डेटर. क्रेडिटर जिसको पैसा लेना है, डेटर जो कर्जे में है, जो पैसा चुकाने वाला है वो डेटर. तो द डिस्काउंट गिवन बाय क्रेडिटर टू डेटर, सीधे शब्द में बोलूं तो डिस्काउंट क्रेडिटर ने दिया तो इसके लिए लॉस हुआ बच्चा, इसके लिए गेन हुआ बच्चा. क्यों? क्रेडिटर उतना पैसा छोड़ रहा है ना, क्रेडिटर उतना पैसा कम ले रहा है ना. सो फॉर क्रेडिटर दिस डिस्काउंट इज अ लॉस, फॉर डेटर वो इतना पैसा कम दे रहा है ना तो उसका तो फायदा हो गया. फॉर डेटर दिस कैश डिस्काउंट इज अ गेन. सीधी बात है बच्चा, इसके लिए लॉस है, इसके लिए गेन है, इसके बुक में इसलिए ये डेबिट होना चाहिए, उसके बुक में ये क्रेडिट होना चाहिए. सुना? इसके लिए अपन जो अकाउंट वापरते हैं इसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, अलाउड मतलब जा तेरे को डिस्काउंट दिया. और इसके बुक में आएगा, नाम जरा सुन ले रे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. जरा देखना, ठीक से देखना. क्रेडिटर के बुक में वो बोलता है डिस्काउंट दिया अलाउड, और डेटर को डिस्काउंट मिला रिसीव्ड. डेटर के लिए गेन है, क्रेडिटर के लिए लॉस है. क्योंकि क्रेडिटर का लिए लॉस है वो उसके बुक में इसको डेबिट करेगा, डेटर उसको ये गेन है वो क्रेडिट करेगा. भाई जी ये वाक्य सुन लेना. There is always entry for cash discount. लो भाई, there is always entry for cash discount. There is always entry for cash discount. दोनों के बुक में ये बोलेगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये बोलेगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. मैंने लाल में लिखा है देर इज ऑलवेज एंट्री फॉर कैश डिस्काउंट, क्योंकि ऊपर मैंने लिखा था ना नो एंट्री फॉर ट्रेड डिस्काउंट. देख 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 देख, वो भी लाल में हाईलाइटेड है. ट्रेड डिस्काउंट 2000 देखना, वो बिल रहा 2000 को नो एंट्री, और इधर 300 रुपये की मारामारी हो रही है भैया, 300 रुपये की एंट्री आने वाली है. हाँ 300 रुपये की एंट्री आएगी. चल हम एंट्री पास करके तेरे को दिखाऊं सिखाऊं, आनंद ले मेरी बातों का, मजा लीजिए. चल भाई इन बुक्स ऑफ ए एंट्री क्या आएगी, कैसे आएगी, और इन बुक्स ऑफ बी एंट्री कैसे आएगी, जरा आराम से देख सुन. पूरा लेक्चर लिखने का है, मगर लिखने से पहले सुन समझ देख और वापस मुझे रिमाइंड करके लिखना बच्चा. क्योंकि पहले इधर खोपड़ी में लिखने का इनविजिबल राइटिंग, फिर चौपड़ी में लिखना विजिबल राइटिंग. पहले समझ ले, जल्दबाजी मत कर, फट 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 ना रे, दो बार देख लेक्चर, तीन बार देख, आराम से देखना. मैं एक एक बात का 100% खुलासा करता हूं,
360 डिग्री से पूरे पॉइंट को बराबर आपके खोपड़ी में डालना चाहता हूँ। कहीं से भी बचना नहीं चाहिए, लेकिन तू भी जरा ध्यान देने का। और मैंने बोला ना, अभी मत लिख तो मत लिख, जरा देख ले, सीख ले, समझ ले, रिमाइंड करके वापस लिखना ना बच्चा, इधर ही है तेरे लिए तो है सब। चल, ए के बुक में ए को पैसा मिला, लेना था 10,320 है, और 10,000 में बोला ला चल सेटल कर, 300 छोड़ दिया, लॉस किया, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, सामने देख लिख के रखा है डेबिट। ए के बुक में एंट्री क्या आएगी, पैसा आया ओके, कैश अकाउंट डेबिट, कितना आया तो के 10,000, किससे मिला तो के बी से मिला, किससे मिला तो के बी से मिला, और कितना डिस्काउंट दिया जो लॉस हो गया तो के 300, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 300, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 300, और बी का अकाउंट सेटल, अपन मान लीजिए बी से अभी 10,300 मिल गया और भूल जाइए, टू मिस्टर बीज अकाउंट 10,300, एंट्री देख, कैश अकाउंट डेबिट 10,000, 300 डिस्काउंट अलाउ किया, डेबिट 300, एंड बी इज द गिवर फॉर 10,300, भले वास्तव में उसने 10,000 दिया है, अपन इसको 10,300 ही पकड़ने का, इज इट क्लियर। डिस्काउंट का एंट्री आया देख, देयर इज ऑलवेज एंट्री फॉर डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट लिखा ऊपर देख बॉक्स में, ए में पैसा आया, बी इज द गिवर और डिस्काउंट यस आया, बीच में डेबिट क्योंकि लॉस है, नॉमिनल अकाउंट डिस्काउंट, चल जरा बी में आ, बी क्या सोचेगा, तो क्या अपन पैसा दे रहे हैं, ए को दे रहे हैं, ए इज द रिसीवर, पहले सुन समझ, लिखने की जल्दबाजी नहीं है, रिवाइंड कर, धीरे धीरे लिखना भाई, दोबारा तिबारा देखना, हाँ पहले सीख ले ठीक से, बी क्या सोचेगा, एस अकाउंट डेबिट, ए का अकाउंट सल्टा दिया 10,300 का, लेकिन वास्तव में पैसा कितना गया जी, टू कैश टू के 10,000, और हाँ अपने को डिस्काउंट रिसीव हुआ है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तीन सौ देख लो, एज अकाउंट डेबिट, एज द रिसीवर, टू कैश पैसा गया, कैश गोज आउट क्रेडिट, और हां डिस्काउंट रिसीव्ड है, क्रेडिट है, गेन है, नॉमिनल अकाउंट इनकम बोल, गेन बोल, क्रेडिट, देख बच्चा, ए के बुक में डिस्काउंट अलाउड है, बी के बुक में रिसीव्ड है, ए के बुक में डेबिट है क्योंकि लॉस है, बी के बुक में क्रेडिट है क्योंकि गेन है, आर यू गेटिंग द पॉइंट, समझ में आया। और एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं, जरा मैं देख रहा हूं कुछ मैं इसमें चेंज कर सकता हूं क्या, ठीक है भैया जाने दीजिए, येलो ले लिया थोड़ा बताने के लिए, इसी नहीं उधर है ना, हाँ उधर है, ये रहा, ये शायद मार्कर ही है ना, आप देखिए जरा भी, कैश और डिस्काउंट
ये दोनों साथ में ही होते हैं। इधर देख, कैश और डिस्काउंट, ये दोनों साथ में ही होते हैं, देख लीजिए बराबर। यदि कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट, यदि कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट, और यदि कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। जरा देख लीजिए भैया, देखो दोनों साथ में ही चलेंगे, इधर भी दोनों साथ में चल रहे हैं, देख लीजिए। जहां आप जाएंगे वहीं आपका परछाया जाएगा, परछाई। ऐसा नहीं होता है कि आप मलाड में चल रहे हैं परछाया कलकत्ता चल रहा है ना, मुंबई में इधर है तो परछाया भी इधर ही होएगा भाई तेरे बाजू में। मुझे इतना ही बोलना था, कैश एंड डिस्काउंट ऑलवेज टुगेदर। दो बार और बोलता हूँ, कैश एंड डिस्काउंट ऑलवेज टुगेदर। ये मियाँ बीवी जैसा है रे, कैश एंड डिस्काउंट ऑलवेज टुगेदर, दोनों हाथ में हाथ लेके चलते हैं। जिधर जाएगा कैश उधर जाएगा डिस्काउंट, कैश एंड डिस्काउंट ऑलवेज टुगेदर। अदक इधर दोनों डेबिट है उधर दोनों क्रेडिट है। अरे कलरफुल लिख रहा हूँ, जरा देख आनंद ले। ये डेबिट वो भी डेबिट, कैश क्रेडिट वो भी क्रेडिट, कैश एंड डिस्काउंट ऑलवेज टुगेदर। मैं यहाँ रुक रहा हूँ, देयर इज वन थिंग, पूरा लेक्चर लिखना है, पूरा लेक्चर दोबारा रन करना है, देखना है, समझना है। ये डिस्काउंट यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, आज चालू हुआ है एंट्री के साथ, एंड दिस इज कंबाइन एंट्री। प्लीज मैं रुक रहा हूँ, यू प्लीज रिपीट एवरीथिंग, राइट एवरीथिंग। लेक्चर एटलीस्ट एक से दो बार, जरूरत पड़े तो तीसरी बार भी देखने में अपना चाहता क्या, थोड़ा फास्ट फास्ट देखने का तीसरी बार में, ठीक है। थैंक यू, एंडिंग द मीटिंग।